तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम तो आपने देखा होगा बार्सिलोना में कैंप नू, लेकिन आपको दिखाने वाला हूँ आज मैं दुनिया का सबसे सुंदर फुटबॉल स्टेडियम। तो अभी हमें लोफोथेन आइलैंड्स इन नॉर्वे और बार्सिलोना से हमने तय किया है 4000 किलोमीटर का सफर अपने मोटर होम में। Pay attention to the drums. हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू लोफोथेन आइलैंड्स। लोफोथेन आइलैंड्स नॉर्वे में बहुत ही बहुत नॉर्थ जाके, दूर जाके पड़ते हैं। यहाँ पे अपने हमने अपनी कैंपर वैन लगा ली है और पैक बनाने लगे हैं। एक्चुअली रात हो रही है, अभी बज रहे हैं एक, तो ये देखिए आप, पहले रात के एक बज रहे हैं और सनलाइट पूरी है, और अंदर हमारे ड्राइवर साहब आज शेफ भी बने हैं आज। ये देखो, ये स्पेन से आए हैं गर्बांजो, स्पेनिश में बोलते हैं छोले को, चने, वाइट चने, और सूप वहां पे रखा हुआ। तो आज काफी शानदार डिनर बनेगा, मैं आपके लिए बैग लेके आता हूँ अभी, हैं शेफ साहब। तो पंजाबी में ना गाना है, लेबल ब्लैक चलती मेरी हाँ दी खुशी दे वे चनारे। तो खुशी तो हमें यह है कि हम लोफोथेन पहुंच गए। ये पानी है झरनों से एकदम, मतलब नॉर्वे के ग्लेशियर का पानी है। तो साबी भाजी के लिए और मेरे लिए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम एक्चुअली यार बहुत दूर है, मतलब ओस्लो से तकरीबन 2000 किलोमीटर है ये। हाँ, तो बहुत ही दूर आए हम, तो खुशी तो बनती है। तो लेट्स सेलिब्रेट विद आवर शेफ साहब। शेफ साहब सलूट। शेफ साहब के छोले खिल गए। सलूद जी, सलूद। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो यार रात को हम थोड़ा लेट हो गए सोने में, और सुबह फिर उठने में भी लेट हो गए। तो अभी एक बज चुके हैं, अभी सब तैयार है नहा धो के, और हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है रेने। ये काफी बिजी रोड है, पूरी रात यहाँ पे गाड़ियां बाइक्स आती रही। तो हमारी डेस्टिनेशन होगी आज की, तो आज हम पहुंचेंगे रेने। रेने एक बस, तो आज हमारी डेस्टिनेशन होगी रेने। रेने पहुंचने में लगेंगे हमें 3 घंटे बाय रोड। यार ये बहुत ही लाउड बाइक है, तो हम सोचा मेरी बुलेट लाउड है, ये तो बहुत ज़्यादा लाउड है। तो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है रेने। रेने यहाँ से 3 घंटे दूर है। डेस्टिनेशन तो हमारी सुंदर होगी होगी, लेकिन जो रास्ता होगा वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। सो या स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज। अटेंशन टू द ड्रम्स। यार देखो, ये ना जॉब काफ़ी मुश्किल है। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ अभी अपने दूसरे व्लॉग की, और अपलोड नहीं हो रहा पहला व्लॉग, तो हम देखेंगे कहीं जाएंगे कैफे वगैरह। फिलहाल हम पहुँच गए होल दोए, पहले बाहर चलते हैं। तो रेने जो है, रेने तो है ही सुंदर। रेने के आसपास 2-3 गांव और हैं, उनमें से एक है ये होल दोए, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, बट आप चेक करिए। तो भाई इसका तो एक ड्रोन शॉट बनता है, नहीं? तो एक बार तो हमें लगा कि ड्रोन शॉट से लेके शॉट काम बन जाएगा, लेकिन जब हमने देखा नज़ारे ड्रोन से, आपने भी देखे अभी, तो हमें लगा नहीं, चलते हैं वहाँ पे अंदर गांव थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ी इसके लिए भी अच्छा है। वैसे ही निशानी होती पैसे की, नहीं भाजी? देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पेट नहीं है,
हलवाई देखे ना जो दुकानों में बैठे होते हैं, तो इसका मतलब वो तो बिलियनेयर होंगे हैं। नो पार्किंग, मतलब जहाँ जैसे लिखा है ना नो पार्किंग, वहीं है नो पार्किंग, अदरवाइज आप कहीं भी पार्क कर सकते हो। यहाँ देखिए उधर बच्चे ये पैडलिंग बोलते हैं इसको, पैडलिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ही रहते होंगे इसी गांव में। अरे अभी बोल रहा है ये गरीब है, इन टर्मों का मेरे को नहीं मालूम हमको तो यही मालूम है कि हाँ ये पानी है खड़े हो गए। तो ये कितने घर होंगे भाजी इस आपको आइडिया? 30-40 लग रहे हैं। ले लिया आप आ लिया रेस्टोरेंट फिर इतने, खुद ही नौकर के खाना देना पड़ेगा रोज। खाना है आपने कुछ? घर जाके ऑर्डर लेना पड़ेगा डेली। हाँ सी फूड मर इसको। यहाँ पे ये साबी पाजी कर रहे हैं सिपियों की हंटिंग। यहाँ पे थोड़ी सी अलग अलग सी है, दिखाता हूँ आपको मैं। कहाँ रखी थी मैंने? यही रखी थी एक यार, ये पड़ी है। हाँ कलेक्शन। तो ये तो चलो आपने देखी होगी पहले भी बहुत बार, नहीं तो सिप्पी है, लेकिन ये देखो ये अलग सा है कुछ, पता नहीं क्या है। हमें आपकी कलेक्शन जड़ी है ना वो प्यारी। ओए होए 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 ओए होए 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 यूनिक है ना। बाकी यार अगर आप ये वाला फ्रेम देखें तो लगता है जैसे कहीं हम कहीं बीच टाउन पे हैं, सेंट्रल अमेरिका में घूम रहे हैं, कहीं वेस्ट इंडीज में घूम रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं तो लगता है नॉर्वे। ये देखिए कितना सुंदर पानी है घरों में। यहाँ लगता है कोई टूरिस्ट वूरिस्ट तो नहीं आता, दूर से देख के चले जाते हैं। पाजी हमें कहीं भगा तो नहीं देंगे डंडे मार के? पाजी यार काफ़ी पीसफुल लाइफ और लग रही है हमें। कोई रेस्टोरेंट है, कैफे है? कैफे अगर होगा तो कॉफी जरूर पियेंगे। अच्छा 10-10 यूरो के भी होना आज पर मुझे लग नहीं रहा होगा यहाँ पे कुछ। यार ये ना यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जब भी खेत से पट्टे की करने आ रहे हैं ना, बता देता हूँ। हाँ हाँ जी, गर्मियों में ये चारा बड़ा हो जाता है। हाँ तो इसको काट के रैप कर, और ये सब प्लास्टिक में रैप। हाँ ये सर्दियों में काम आएगा। तो ये सब मशीनों से देखा हमने करते हुए उनको, मशीन पकड़ती जैसे और खत्म। यार कितना सुंदर है यार, यहाँ पे लोग काफी नेशनलिस्ट हैं, काफी लोगों ने झंडे लगाए होते हैं अपने देश के। एक चीज फर्क ये होता है कि इनका जो झंडा होता है वो ऐसे ऐसे तीखा सा ट्रायंगल शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में नहीं होता। ये देखो घर तो क्यूट है ही है, उनका लेटर बॉक्स कितना क्यूट सा बना रखा है। ओके चलो यार, यहाँ पे कुछ लाइव लगा जैसे कोई रहता ही नहीं इस गांव में, मतलब सब गोस्ट टाउन लग रहा है ये, बट बहुत ही प्यारा, नो डाउट अबाउट दैट। जट दी मशूक बीबा रशिया तो इधर ज्यादा हरा रहा है, हरा हरा पानी, और आगे आएगा एक हरा हरा फुटबॉल ग्राउंड। तो पूरा जो आइलैंड है वो फुटबॉल ग्राउंड ही है, बस पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में। मैं बना रही हूँ, मैं तो ले लियो। वहां पे देखिए बना हुआ है मैप, नहीं मेरा जूम नहीं कर पा रहा मेरा फोन, लेकिन आगे जाके एक ऐसा आइलैंड है जहाँ के पूरा आइलैंड ही एक ग्राउंड है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा फेमस स्पॉट है वो, आपको दिखाते हैं जाके। अभी इस पुल क्रॉस करके आ जाएगा। तो यार ये जो आप पुल देख रहे हैं ना आगे, ऐसे क्या सीन है कि यहाँ पे छोटे छोटे टापू हैं और उनको जोड़ा गया है इन पुलों से, और ये वन वे है पुल। और अभी जब हम वहाँ जाएंगे, जैसे अभी लाइट ग्रीन हुई तो वो निकल गई गाड़ियाँ, अभी हम जाएंगे तो फिर वो देखो रेड दिख रही है मेरे को, तो आपको शायद दिख रही होगी कैमरे में। और हम यहाँ ऐसे पुलों से जा कर रहे हैं, एक्चुअली एक आइलैंड है जिसपे कि पूरा का पूरा आइलैंड ही एक ग्राउंड है फुटबॉल का, आपने बहुत देखा होगा इंटरनेट पे फोटो है उसकी, तो आज आपको हम दिखाएंगे वीडियो में भी। गोप्रो की तूती बोल गई है, चलो देखो अभी हमारी हरी होगी लाइट, अब ये पुल क्रॉस करते हैं। ये
ये देखो ये गाड़ियां वेट कर रही है क्योंकि अभी लाल लाइट है, टेंशन लग रही है। तो भाई जो ग्राउंड है थोड़ा सा दूर है 1 किलोमीटर और यहाँ पे इतनी भीड़ थी तो यही पार्किंग थी, हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम जाएंगे पैदल तकरीबन 1 किलोमीटर। ये एक आइलैंड सा क्रॉस करेंगे और इसके आगे जाके है वो ग्राउंड। इधर रास्ता पता नहीं है कि नहीं है, गलत आ रहे हैं। हाँ गलत रास्ते आ गए शायद। तो यार ये है गांव, मतलब क्या है, गांव है, टाउन है, शहर है, पता नहीं। रास्ता अच्छा पिछड़ा से पूरा घूम के ऐसे आएगा फिर। यार सरप्राइज़, काफ़ी बड़ा सरप्राइज़, मतलब बहुत दिनों बाद मुझे कुछ इंडियन चीज़ दिखी है। इंडियन नहीं है, चलो तिब्बतन है, इनको तिब्बतन फ्लैग्स बोलते हैं, बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं, अपने हिमालयस में हर जगह होते हैं, हम भी लगाते हैं अपने बुल्ट वुल्ट पे। तो बहुत टाइम बाद मतलब यहाँ पे तिब्बतन फ्लैग्स हैं और यहाँ पे LGBTQ फ्लैग है। मतलब यार जैसे देखा ना ग्रीनलैंड में हमने जैसे घर वहाँ थे, मतलब ये लगा लो कि गर्मियों वाला ग्रीनलैंड। अरे यार कितने सुंदर फूल ट्यूलिप्स हैं ये, मतलब इनका यही सीज़न है, ये 2-3 महीने यहाँ पे लाइट रहती है, बाकी तो सूरज भी नहीं होता, ठंड होती होगी। यहाँ थोड़े से और हैं तिब्बतन फ्लैग्स, ये रहे। तो ये कह रही लोग नहीं है गया, देखो थोड़े थोड़े लोग हैं यार, मतलब टूरिस्ट लग रहे हैं मेरे को, लोकल लोग पता नहीं कहाँ है भाई, घर है, कैफे हैं, सब बंद है, ऐसे एकदम से जैसे गोस्ट टाउन है। रास्ता आ गया। बाकी यार यहाँ पे मुझे देख के ना उमनाक की याद ही आ रही है, बस ये था कि वहाँ ठंड थी, सर्दियाँ थी, यहाँ पे गर्मियाँ हैं। वैसे ही क्यूट से घर हैं, बहुत कम लोग हैं, वो सड़कें ऊपर नीचे, बस वो सामने जाके आ गया अपना ग्राउंड। यार यहाँ पे भी LGBTQ है, पाजी बताओ यार ये पाकिस्तान में क्या सीन है LGBTQ का? हैं? नहीं लीगल है, अपने तो लीगल हो गया इंडिया में। चलो पहले ये बताओ LGBTQ क्या है। LGBTQ यार ये देखिए सर्दियों में यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं बहुत ज्यादा मजेदार, जस्ट लाइक उमनाक ये देखिए, बट अभी नहीं दिखती, अभी गर्मियां हैं। ये आप देख तो पा रहे हैं लेकिन सूंघ नहीं पा रहे होंगे, काफी बदबूदार है ये। ये मछलियाँ टांग रखी हैं सुखाने के लिए। ग्रीनलैंड में हम यही करते थे, मच्छी मार के टांग देते थे ऐसे करके, और ये ड्राई फिश हो जाएगी फिर जब इसको हम कर सकते हैं स्टोर, जब इसमें पानी निकल जाएगा तो ये ख़राब नहीं होगी, फिर ये ड्राई करके इसको हम मतलब ये लोग कर लेंगे स्टोर और फिर सर्दियों में इसको खा सकते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 3 ड्रोन उड़ रहे हैं, आपको दिख नहीं, एक इसमें नेट में, एक दो वहाँ पर घूम रहे हैं, ये रहा। तो चलो इनको उड़ाने देते हैं पहले, फिर हम अपना उड़ाएंगे, बाकी हम जा सकते हैं इसके अंदर भी, कोई ऐसे वो नहीं है कि मनाही है ऐसा कुछ। और ऑब्वियसली ये असली घास नहीं है, सिंथेटिक ग्राउंड है, बिकॉज ऑब्वियसली सर्वाइव नहीं करेगा ग्रास सर्दियों में। लेकिन ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा ना ड्रोन से, तो आपको लिखेगा कि कितना खूबसूरत है ये।
तो यार हमने उड़ाया ड्रोन अपना मस्त, लेकिन इतने सारे लोग थे ड्रोन उड़ाने वाले, तकरीबन मतलब कम से कम 5-6 तो होंगे ही होंगे, और मतलब वहीं पर स्पॉट में कि सेंटर में लेट के उड़ाना है ऊपर, तो काफ़ी फेमस हो चुका है ये वाला फुटबॉल ग्राउंड और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी बिजी है। लेकिन ये हमारा आखिरी स्टॉप नहीं है, आज हम और भी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो रैने करके गांव है और एक यहाँ पे गांव है जिसका नाम है सिर्फ अ, अ यही नाम है उसका, तो वहाँ भी जाएंगे अभी थोड़ा सा यहाँ पे घूमते हैं और फिर बाद में जाएंगे अ। तो देखिए यहाँ भी मछलियाँ हैं बहुत सारी और ये रहा ग्राउंड। वैसे तो हमने ड्रोन शॉट ले लिए इतने सारे, चलिए बाजी उन्हें तो चलो। अभी हम आए हैं थोड़ा सा दूर वहाँ से, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये पुल ऐसे क्यों बनाए हैं थोड़े से ऊपर जाके नीचे, ताकि इसके नीचे से शिप वगैरह निकल सकें, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं उनको जोड़ रखा है ऐसे पुलों से, और ऐसा रखा गया प्रोविजन की शिप वगैरह भी निकल जाए इसके अंदर से। लोहा पार लगता एक चंदन की लकड़ ने, लोहा पार लगता एक चंदन की लकड़ ने, दिल किया नाले बेटा नाले चुम्मा मैं, मेरी सुन पुलाती तेरे ना दे तो अपना तेल खत्म हो गया फिर से। अभी लोफोटेन में जो रेट है अपना वो है 21, 21 रेट है भाजी ना। भाजी बस करो यार, कितना तेल पाओगे? मेरा कड़ा जी करता मैंने भी उन्हें सजाने हैं। तो एक्चुअली दो दिन से मैं ट्राई कर रहा था वीडियो करने का अपलोड, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है नॉर्वे का, लेकिन अपलोड नहीं हो रही थी मोबाइल के इंटरनेट से। अभी मैंने चेक करा पेट्रोल स्टेशन पे वाईफाई था तो मैंने लगा दिया है, ये फटाफट हो जाएगी अभी अपलोड, तो आज ही कर दूंगा दूसरी भी अपलोड। तकरीबन एडिट कर लिए मैंने और कोशिश करेंगे कि आप रेगुलरली डालूंगा वीडियोस। अभी ये इसलिए होता इंटरनेट नहीं मिल रहा था, चलो मिल गया वाईफाई अभी तो। भाजी तिल कितना पिया? €130 और ये सामान कितने का आया? €150। अच्छा तो यहाँ मार्केट थी एक बंद होने वाली थी, तो मतलब हम एंड वाले कस्टमर ही थे ऑलमोस्ट, वो बंद कर रहे थे कि निकलो यहाँ से बाहर, तो जो भी हमारे हाथ में आया अंडे दूध ब्रेड बिस्किट ले लिया हमने। तो आज का खाना पाकिस्तान? Yes. आपने गोश्त प्रॉमिस किया था हमें पिछले वीडियो में, हाँ चिकन बनेगा, ठीक है ठीक है चलो। आइलैंड्स में और रात के बज रहे हैं 12 और देखिए अभी भी सूरज चढ़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। तो इस वीडियो में आपको लेके जाऊंगा लोफोटेन आइलैंड्स में, दिखाऊंगा लोफोटेन आइलैंड्स और बात करेंगे मिडनाइट सन के बारे में। स्टे ट्यून्ड।